भी यहाँ के 1700 अवधि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी ने मना कर दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए, आपको मालूम ही है। ये हमारे खाके थे देश की, चित्ते चार इतना बड़ा मुल्क 125 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर अलग अलग धर्म, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है, अलग अलग धर्म, जाति, अलग अलग भाषाएं, तब भी हम लोग एक है, अखंड है, ये हमारी पहचान है। इतने बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री जाता है तो आप सम्मान देते हैं, तो कहने के मेरे चुनाव में सब लोग अपनी बात कहेंगे, कृपा करके आप इस बार एक संकल्प करें कि कांग्रेस को लाए वापिस आपके पास, गुजरात में 27 साल बहुत हो गए, 30 साल नहीं कि राज क्या होता है कांग्रेस का, देखे नहीं कांग्रेस राज को, तो मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ राजस्थान के अंदर, 5 जनता का मालूम है राज्य छोटे वहां सरकार आई, तब तक हमने जो ऐतिहासिक काम किए, अभी हमारे कार्यक्रम जो नीति है, हमारे फैसले हैं, उनके चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके इस बार आगे आए और किसी प्रकार के स्थिति ऐसी करें जिससे कि, क्योंकि हम देख चुके हैं अभी अभी खबर आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर को ब्लॉक करने का आदेश, बेंगलुरु कॉमर्शियल कोर्ट का आदेश, केजीएफ मूवी के गानों का, अब बताइए आप ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी ये है कि आप जुडिशियल पे आपका कमी है, कहां ले आओगे देश को, कोई आदमी को पुलिस थाने में न्याय नहीं मिले तो उम्मीद करता मैं जाऊंगा जुडिशियल में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा मैं तो न्याय मिलेगा, वो भी लेवल बंद कर दिए सरकार ने, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के छापे डाल रहे हैं, तमाम लोग विपक्षी पार्टी नेता हैं या उद्योगपति हैं वही खाली मतलब उनके छापे पड़ते हैं, 4 साल के अंदर एक छापा नहीं पड़ा बीजेपी के किसी उद्योगपति पे या किसी नेताओं पर, सरकार गिराने के लिए छापा कर रहे हो, उनके घर ईडी को भेजा गया, सीबीआई को भेजा गया, एमएलए यहाँ पर उनके परिवार में डराया गया, धमकाया गया, आखिर सरकार बदलने वहां पर महाराष्ट्र में आपके देखते देखते बदल क्या हो रहा है डेमोक्रेसी का, अगर ये हालात कांग्रेस करती आजादी की बात की तो क्या आज मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए हैं कांग्रेस ने देश में लोगों को जिंदा रखा, अपने गहरों को मजबूत किया, जी मैं कह देता हूँ, इसलिए हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी ने नीति बताए, अपने कार्यक्रम बताए, नाम बताए, और झूठी बोले, जनता को गुमराह नहीं करे, जनता को भ्रमित नहीं करे, चुनाव जीतने के लिए अच्छी बात है सत्य पे चले, उसके बाद में जनता फैसला करे वो स्वीकार है। इससे मैं कहना चाहूंगा आपको कि लड़ाई बहुत लंबी है, इनकी गौरव यात्रा फेल हो गई, अभी क्यों फेल हुई, जल्द जल्द की यात्रा 5 दिन में खत्म करनी पड़ेगी, आप लोग बैठे हो जब परिवार की यात्रा निकल रही है तो बता दीजिए आप लोग मेरे रास्ते में रुका दो जगह पर, इतना उत्साह था कार्यकर्ताओं में भी और वहां के लोगों के अंदर भी, मैं आपको शुभकामना देता हूँ आप लोग मिलकर के आने वाले चुनाव में, एक बार पिछली बार भी आपने कमी नहीं की, कुछ कमी हमसे नहीं होगी, उसके कारण से अमित शाह कहते थे कि 150 सीटें लाऊंगा मैं, मिशन 150 था, कितनी सीटें आई 99 आई, वो मिशन 150 धरा रहेगा, हम 77 में